हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आपके मेरे चैनल में। दोस्तों, आज हम विंडो 11 में एक प्रॉब्लम आ रही है। मैं कोई भी शेयरिंग फोल्डर एक्सेस करता हूँ तो ये एरर आ रही है, एक्सेस नहीं हो रहा है। तो कैसे सॉल्व करते हैं आज हम देखते हैं। मैं यहाँ पे आईपी लिख कर एक्सेस करता हूँ तो ये एरर आ जाती है, शेयरिंग फोल्डर। देखिए, मैं एक्सेस कर रहा हूँ तो फिर भी, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके रन ओपन करता हूँ, रन, और उसमें jpedit.msc लिखता हूँ और ओके कर देता हूँ। ओके, बाद में मैं एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट में जाके नेटवर्क में एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट में क्लिक करता हूँ, उसमें नेटवर्क, उसमें लैन मैन वर्क सेशन, उसमें मैं इनेबल इनसिक्योर गेस्ट लॉगऑन ऊपर डबल क्लिक करके इनेबल कर देता हूँ। उसमें मैं डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ पे इनेबल करके अप्लाई ओके कर देता हूँ। अब हम देखते हैं एक्सेस करके होता है नहीं होता है, शेयरिंग फोल्डर आता है नहीं। बाद में रेग एडिट ओपन करता हूँ, रन में जाके रेग एडिट ओपन किया, उसमें मैं HKEY लोकल मशीन में क्लिक करता हूँ, उसमें सिस्टम, उसमें करंट कंट्रोल वर्जन सेट, उसमें सर्विस, सर्विस में लैन मैन वर्क सेशन, उस पर क्लिक करता हूँ, उसमें पैरामीटर्स, उसमें राइट क्लिक करके DWORD पे क्लिक करता हूँ, उसमें लिख देता हूँ अलाउ इनसिक्योर गेस्ट ऑथ। गेस्ट AUHT। और उसमें डबल क्लिक करके 0 की जगह पे 1 कर देता हूँ। ओके, अब मैं शेयरिंग फोल्डर एक्सेस करता हूँ, होता है नहीं होता है। ये विंडो 11 में ही प्रॉब्लम आता है, विंडो 10 में ये प्रॉब्लम नहीं आता है। अभी मैंने वो कर दिया है, मैं ये क्लोज करके विंडो आर करके आईपी लिख कर एक्सेस करता हूँ शेयरिंग फोल्डर।